हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। और दिन है आज बुधवार का और सुबह की बजी है करीबन अभी 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है। तो इतनी बजे से ही मैंने अपने करी है वीडियो की शुरुआत। बच्चे गए हैं स्कूल, आज है बच्चों का साइंस का पेपर, तो बड़े ही टेंशन टेंशन में वो गए। पढ़ाई तो खैर कंप्लीट है, लेकिन यही है कि साइंस और मैथ्स इस तरह के पेपर होते हैं ना, तो बच्चों के साथ में थोड़ा सा हमारा बीपी जो है वो भी बढ़ा हुआ रहता है। तो बस अभी बच्चे गए स्कूल, आके मैंने चाय वाय पी है और अब ये कुछ कपड़े जो इकट्ठे हो गए थे, कुछ नहीं कुछ ज़्यादा ही कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और ये देखो मैं बच्चों के जैसे खेलने लगी। एक्चुअली पानी के अंदर मैंने ना पहले सर्फ़ डाल दिया था और उसके बाद में मैंने नल चालू किया ना, तो उसकी वजह से ऊपर इतने सारे जाग जो है वो बन गए थे। और जैसे ना बचपन में भी हम लोग ऐसे ही करते थे, हम बहने बहने मिलकर इस तरह के ना बहुत से कारनामे करते थे। और यही चीज़ें होती थी खेलने की पहले, ये अभी जो गेम्स वगैरह होते हैं वैसे कहाँ होते थे ना, कोई बाहर इतना ज़्यादा खेलना मिलना होता था, तो घर के अंदर ही इन्हीं चीज़ों से हम लोग खेलते थे। तो इतना सारा ऊपर बबल मतलब पूरा ऐसा जाग जाग से बन गए थे ना, तो बस उससे कुछ देर में खेलने लगी और कैमरे में थोड़ा रिकॉर्ड भी हो गया। तो मैंने एडिटिंग के टाइम पे सोचा कि डिलीट नहीं करते, आपको भी दिखा देते हैं कि क्या क्या कारण में श्रद्धा करती है। तो वही कह रही थी कि मैं कपड़े जो है वो बहुत सारे इकट्ठे हो गए हाथ से धोने के लिए। तो दो बकेट के अंदर मैंने सर्फ़ का पानी किया है, एक के अंदर मैंने वाइट कपड़े भिगोए हैं और एक के अंदर मैंने जो डार्क कलर के कपड़े, इस पर मतलब सारे मोस्ट ऑफ काले कलर के कपड़े ही हो गए थे। इनकी जींस वगैरह थी, मेरी एक कुर्ती भी थी डार्क नेवी ब्लू कलर की, और तो वो सारे मैंने अलग अलग भिगो दिए हैं। तो सबसे पहले कपड़े भिगोने का काम किया, क्योंकि घर के बाकी सारे मैं काम करूँगी तब तक अच्छे से वो कपड़े जो है वो मतलब भीग जाएंगे, तो फिर धोने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। और अब उसके बाद में मैं आई हूँ बच्चों के रूम में, तो सबसे पहले मैं बच्चों के रूम की साफ़ सफ़ाई ही करूँगी, क्योंकि आजकल है ना बच्चों ने इस वाले रूम में कब्ज़ा कर लिया। इतने दिन उनके दादू दादी थे यहाँ पर, इस रूम में रहते थे, तो अब वो चले गए हैं, तो अभी बच्चे जो है वापस अपने रूम में आ गए। तो आजकल इनकी पढ़ाई वगैरह ये सब इस रूम में ही होती है, तो ये वाला रूम जो है वो सबसे ज़्यादा अब गंदा रहने लग गया है। तो सबसे पहले साफ़ सफ़ाई इस रूम की ही करती हूँ। तो बस चद्दर वगैरह जो है वो मैंने चिटक दिया है अच्छे से, उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने अरेंज करके रख दी है। तो बाहर की सारी डस्टिंग का काम कंप्लीट करके अब मैं आ गई हूँ किचन के अंदर और जल्दी से करूँगी लंच की तैयारी, क्योंकि बच्चे आजकल स्कूल से जल्दी आ जाते हैं। 10:30 बजे बच्चे घर आते हैं और घर आते में ही उनको लगती है ज़ोरों से भूख, क्योंकि बच्चे आजकल टिफ़िन लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका लंच ब्रेक होता ही नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद में उनकी छुट्टी हो जाती है, तो घर आते में उनको लगती है भूख। अच्छा, कल के वीडियो में आपने देखा होगा ये पनीर मैंने कल बनाया था और उसके बाद में मैंने इसको फ्रीज़ में रख दिया था, तो फ्रीज़ में रखने से वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो मैंने छोटे छोटे से इसके पीस करके गुनगुने पानी में रख दिया है ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब मैं कर रही हूँ ग्रेवी की तैयारी, तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा पानी और एक बड़ा चम्मच मैंने लिए मगज के बीज, खरबूजे के बीज भी बोलते हैं जिसको, और एक मुट्ठी भर के डाल दिया है मैंने काजू, और 5 से 6 डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची, थोड़े से सूखे मसाले डाले गरम मसाले, और 4 बड़े साइज़ के टोमेटो जो है उसको रफली चॉप करके डाल दिया है, थोड़ा डाल दिया है नमक, और बस अब इसको ढक के हम पकने देंगे करीबन बनाने की 7 से 8 मिनट। क्योंकि ये लौकी जो है मैं 4 दिन पहले लेकर आई थी और इसका कुछ पार्ट जो था वो मैंने इडली सांभर बनाया था उसके अंदर डाला था, और उसके बाद से ये लौकी जो है वो बेचारी फ्रीज में कहीं छुप गई थी, तो मैंने सोचा आज इसके कोफ्ते बना के उसकी सब्ज़ी बना देते हैं। लेकिन फिर पापी से ध्यान गया कि कल मैंने बनाया था पनीर, और पनीर ताज़ा ताज़ा पनीर की जो सब्ज़ी बनती है ना उसका फिर टेस्ट ही एकदम अलग ही होता है, तो फिर इसको मैंने रहने दिया और आज पनीर की सब्ज़ी जो है वो बना रही हूँ। और उसके साथ में सिंपल रोटी नहीं बनेगी, कुछ स्पेशल बनेगा, तो वीडियो को देखते रहिए आगे क्या स्पेशल बनाने वाली हूं। टाइम पहले मेरे पास में कमेंट आया था, अभी 1-2 वीडियो पहले कमेंट आया था कि आप फिटेड बेडशीट को कैसे फोल्ड करते हो, तो बताना जरूर। तो सबसे पहले तो ये बता दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि फिटेड बेडशीट जो है वो क्या होती है। तो मेरे यहाँ बेड के ऊपर जो मैं बेडशीट लगाती हूँ वो वाली फिटेड बेडशीट है, यानी कि इसके ऊपर ये देखो इस तरीके की सिलाई जो है वो लगा के, मतलब इलास्टिक जो है वो लगा के और सिलाई लगाई हुई है, और चारों तरफ से मतलब फिट हो जाती है इसके ऊपर, इसीलिए इसका नाम जो है वो फिटेड बेडशीट है। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया होगा। अच्छा, वो जो आप मैट्रेस के ऊपर वो लगाते हैं ना कवर प्रोटेक्टर, तो ये बेडशीट जो होती है वो भी उसी तरीके की होती है। आजकल तो मार्केट में खैर फिटेड बेडशीट मिलने लग गई है, और अगर बहुत जगह नहीं भी मिलती है ना, तो आप नॉर्मल जो बेडशीट है वो किसी भी टेलर के पास जाके अपने बेड का साइज दे दो और उसके अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज सिल के आपको दे देगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चार्ज जो है वो भी नहीं लगते, और यदि आपको सिलाई आती है तो आप घर पे भी सिल सकते हो। ठीक है,
तो बता देती हूँ कि ये बेडशीट मैंने कल वॉश करी थी और मैंने कल के वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट डे मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। तो चलिए कैसे फोल्ड करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को भी नहीं आते थे हम फोल्ड करने, मैं भी मतलब कैसे भी इसको फैला के और फिर फोल्ड कर देती थी, लेकिन फिर बाद में सारी की सारी बेडशीट मेरे पास में ऐसी ही है। और होता क्या है कि आप इस तरीके की बेडशीट होती है ना, उसको अच्छे से फोल्ड नहीं करते तो आप जिस भी कैबिनेट पे रखोगे, जहाँ पे भी रखोगे, तो आपका बहुत अनऑर्गेनाइज लगेगा वो वाला कैबिनेट। तो इसके लिए फिर मैंने सीखा और आज मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले बेडशीट को मैंने इस तरीके से फैला दिया है, उसका इलास्टिक वाला पार्ट जो है उसको रखना है ऊपर और अच्छे से पहले फैला देना है। और उसके बाद में जो एक वाला भाग है, जो आपकी तरफ वाला पार्ट है बेडशीट का, उसमें जो कॉर्नर से है वहाँ से आपको बाहर की तरफ से हाथ अंदर की तरफ डालने हैं, मतलब कॉर्नर से कॉर्नर मिलाने हैं। तो आपकी तरफ वाला जो पार्ट है वहाँ से आपको बाहर की तरफ हाथ डालना है और सामने वाली जो साइड है वहाँ पर आपको अंदर की तरफ हाथ डालना है, मतलब चारों कोने जो है वो आपको आपस में मिलाने हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। पता नहीं मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही, यहाँ पर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। और बस उसके बाद में फिर जो आपने हाथ अंदर की तरफ डाले हैं उसको आप बाहर निकाल देंगे तो बेडशीट जो है वो आप समझ लीजिए कि आधी तो फोल्ड हो ही जाएगी अच्छे से। और बस उसके बाद में फिर उसको अच्छे से सेट कर लो तो बेडशीट, मतलब स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको, 2-3 मिनट, लेकिन जैसे आपके प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर तो आप नॉर्मल जैसे बेडशीट फोल्ड करते हो ना, उससे भी कम टाइम में ये बेडशीट फोल्ड हो जाती है। तो जब मुझे भी नहीं आती थी ना, तो मैं मतलब इतनी बुरी तरीके से इसको बेडशीट को फोल्ड करके और फिर रखती थी, लेकिन फिर उसके बाद में जैन साहब ने मुझे मतलब बता दिया कि इस तरीके से फोल्ड करा कर, तो उसके बाद से तो फिर मैं अच्छे से फोल्ड करके ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर के अंदर सारी बेडशीटें ऐसी ही है। और 3-4 बेडशीट भी यदि आप अच्छे से फोल्ड करके नहीं रखोगे ना, तो आपकी पूरी मतलब जिस भी कैबिनेट में आप जमाओगे ना, तो वो इतना ज़्यादा मैसी दिखता है। लेकिन हाँ, अब मेरी ये वाली जो झंझट है वो दूर हो गई, क्योंकि मुझे अच्छे से फोल्ड करना आ गया। और होपफुली यदि आप भी वीडियो ये वाला देखेंगे बिना स्किप किए, तो आप भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको एक नया काम जो है वो सिखाया है। और कौन कौन मेरी तरीके से इस तरीके से बेडशीट को फोल्ड करता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो बाहर डस्टिंग का काम तो हो गया था, लेकिन फिर मुझे काम किचन में काम करते करते याद आया था कि एक दो दिन पहले मेरे पास कमेंट आया था कि फिटेड बेडशीट कैसे फोल्ड करते हो, तो मैं फिर से बाहर गई और आपको बता दिया। तो कई बार ऐसे कमेंट आ जाते हैं, कुछ चीज़ें जो होती है वो मैं भूल भी जाती हूँ, और कुछ चीज़ें जो याद आती है उसके मैं आंसर भी दे देती हूँ। अच्छा, एक कमेंट भी मेरे पास में कई बार आता है कि श्रद्धा, इतनी एनर्जी के साथ कैसे काम करते हो आप, हम अगर इस तरीके से फास्ट काम करें ना, तो हमारी तो कमर में दर्द होने लग जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके के कमेंट जो है वो सुनते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। घर के जो काम है मैं भी वही काम करती हूँ, और आप लोग भी शायद करते होंगे। सबके बस यही है कि काम करने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग होता है। और रही बात एनर्जी की, तो एनर्जी इसलिए आ पाती है क्योंकि मैं बहुत ही प्लानिंग के साथ में काम करती हूँ। मतलब सुबह ही मेरी ये प्लानिंग हो जाती है कि मुझे सुबह के काम जो है वो कब निपटाने हैं, क्योंकि दिन को फिर मेरा यूट्यूब का काम भी होता है। बहुत गले हैं कि नहीं गले हैं, तो ये देखो टमाटर बहुत अच्छे से गल गए। और इस तरीके से सब्जी बनाते हैं ना पनीर मटर की, तो टेस्टी तो लगती ही है, लेकिन इतनी जल्दी बन जाती है ना, और साथ साथ में आपके बहुत से काम जो है वो भी हो जाते हैं। मतलब कोई बुनने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और सबसे बड़ी बात कि कम तेल में बनती है, क्योंकि अभी इस टाइम पर मैंने बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। अब डायरेक्ट जब मैं तड़का लगाऊंगी उस टाइम पे ही ये तेल डालूंगी, और टमाटर भी गल गए हैं, साथ में ये जो मैंने लाल मिर्ची डाली थी वो भी, और काजू वगैरह वो भी अच्छे से फूल गए। तो सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से पक गई है। अब इस मिक्सचर को हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद में इसकी बनाएंगे एकदम फाइन सी प्योरी। और इधर मैंने जो पनीर था वो डाला था गर्म पानी के अंदर, बिल्कुल गुनगुना सा पानी, तेज़ गर्म नहीं लेना होता है। और ये देखो पनीर जो है वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तब इसको मैं पानी में से निकाल दूंगी, और अब इस पानी को फेंकूंगी नहीं, इसी पानी के अंदर मैं थोड़े से मटर जो है वो भी बॉईल करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि मैंने सफल मटर का यूज़ नहीं किया है, मैंने जो भी फ्रेश मटर है उसी की बना रही हूँ सब्जी, तो उसको फिर थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, तो मैं सोच रही हूँ मैं गर्म पानी में उबाल दे। तो वही बता रही थी कि यदि आप टाइम का अच्छे से मैनेजमेंट करके चलोगे ना, तो फिर आपके काम जो है वो भी बहुत ही एनर्जी के साथ में होने लग जाएंगे। प्लानिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी काम को करने की। आपको पता होना चाहिए कि आपको सुबह के काम कितने बजे करने हैं। जैसे कि अभी मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, वो 10:30 बजे आ जाते हैं, तो मेरा टारगेट ये होता है कि वो आएँ, उसके पहले पहले मेरे घर के मतलब मोस्ट ऑफ काम जो है वो हो जाए। तो ये प्लानिंग रहती है, तो फिर मेरे जो मतलब काम करने की जो स्पीड होती है ना, वो भी उसी तरीके की हो जाती है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मैं भी थोड़ी लेजी हो जाती हूँ उस दिन, मतलब कोई प्लानिंग नहीं होती, बिना प्लानिंग के, तो फिर मेरे काम जो है ना वो भी सुबह से लेकर शाम तक रात तक लटकते रह जाते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर मेरे काम जो है वो टाइम से होते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और रात को फिर एक सुकून की नींद भी आती है। और यदि आप इस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट और प्लानिंग के साथ में काम करते हैं ना, तो आप घर
के काम तो करेंगे ही और आपको एक्स्ट्रा काम के लिए भी टाइम मिल जाएगा। जैसे कि मैं यूट्यूब का काम करती हूँ तो मुझे उसके लिए भी 3-4 घंटे चाहिए होते हैं ना। तो वैसे यदि आपके पास में भी कोई टैलेंट है, किसको सिलाई आती है, किसी को मतलब जो भी चीज़ें, जो भी किसको पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़ भी सकता है, या फिर मतलब बहुत हज़ारों काम है, अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रहे, लेकिन जिसको जो भी शौक हो तो वो उस चीज़ों को अंदर दबा के नहीं रखे, क्योंकि घर के जो काम है वो तो बेसिक काम है जो हमको करने ही है। हम घर के अंदर रहते हैं, यदि हम जॉब नहीं कर रहे हैं तो हम घर के अंदर रहते तो हमको घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन है ना, घर के काम करने के बाद में भी हमको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। पूरा दिन भले हम घर के अंदर काम करते हैं और रात होते होते हम बहुत थक भी जाते हैं, लेकिन थकने के बाद में भी यदि हम बैठ के सोचेंगे ना तो हमको लगेगा हमने पूरे दिन में कुछ काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये डेली के काम है जो हम हमेशा ही करते हैं, तो हम बोर भी होने लग जाते हैं। तो इसके लिए आप प्लानिंग के साथ में काम करो और साथ में ही कुछ टाइम बच्चों के लिए भी दो। मतलब दिन भर उनके पीछे ये पड़े रहे ना कि बच्चे तुमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसके बजाय ज़्यादा अच्छा है कि आप बच्चों को आधा घंटा दो, उनके साथ में बच्चा बन के खेलोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आ गई है बच्चा पार्टी, आ गई है। अरे मुझे एक बार पेपर तो बताओ, पर क्या हुआ? बैग लेने गई तो चोरी कर दिया, सारे छोटे लोग हैं मेरे क्लास में। मेरा भी चोरी नहीं हुआ। ये क्वेश्चन पेपर मतलब नीचे गिर गया होगा बेटा, नीचे गिर गया होगा, उड़ गया होगा। वो इधर उधर कुछ ना कुछ मिसप्लेस हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है, मतलब कैसा पेपर कैसा हुआ? इजी था। परी ने मेरे को एक भी बार आके बोला नहीं पेपर कैसा हुआ, डायरेक्ट को उसके बारे में। दो मार्क्स ऐसे कट गए अभी। हां इसीलिए मेरा 45 अब आएगा। अच्छा गया पेपर मेरा 45। और आपका? अच्छा गया मेरा। बताओ क्वेश्चन पेपर बताओ। इजी है ये तो, जो पढ़ा था वही आया ना। मम्मी यहां पे लिखा है, यहां पे ये प्रॉपर, ये जो प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग स्केल, तो यहाँ भी तीनों गलत है, नॉन ऑफ दिया, क्योंकि जीरो से मेरा शुरू होता है, वन से शुरू होता ही नहीं। परी ने लिख दिया वर्टिकल होता है तो मेरा ए लिख कर आ गया। मैंने बोला था तो बाद में लास्ट में रीचेक करने का ना। मैंने ध्यान नहीं दिया। रीचेक किया तूने भी? रीचेक किया? रीचेक तो करूंगा। एक तो छोड़ दिया मैंने, कितना तो हमारी पहली मैडम का एक क्वेश्चन गलत हुआ तो उसकी वजह से ये रो रही है। चार क्वेश्चन सिर्फ वन मार्क्स, ओनली वन मार्क्स का जो एक क्वेश्चन था वो इसका थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्या हुआ मैडम, छोड़ के आ गई तो ये थोड़ी अपसेट हो रही है। तो क्या हो गया, एक नंबर कम आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मार्क्स का तो हमारी रिहान भी गलत करके बनी थी, कितना खुश लगा। और यार गंदा, चलो अब तुम दोनों ग्लूकोज पियोगे? हाँ हॉलीडे फिर हमारा होगा मैथ्स का एग्जाम। मैथ्स नहीं है, सोशल सोशल का एग्जाम। सोशल सोशल का 4 डेज का इनका ब्रेक है, 4 दिन का ब्रेक मिला इनको, उसके बाद इनका सोशल का पेपर। लेकिन हम 4 दिन के ब्रेक में मिर्चे इंग्लिश मस्ती एग्जाम के बाद, फिर इसलिए इनको इंग्लिश की थोड़ी प्रिपरेशन करानी पड़ेगी, क्योंकि होली और दुलंडी 2 दिन की छुट्टी रहेगी, उसके बाद मैथ्स का पेपर होगा 7 तारीख की होली है और 8 तारीख की है दुलंडी, और उसके बाद में फिर 9 तारीख को इनका मैथ्स का पेपर है और डायरेक्ट फिर 10 को इंग्लिश का है। तो मराठी का तो बात नहीं, उसके बाद सैटरडे संडे का बीच में ब्रेक हो गया, फिर मराठी है। तो उसके बाद में इनका किसका पेपर है? सोशल। नहीं हाँ सोशल होगा, फिर हाँ दुलंडी के बाद में मैथ्स का पेपर होगा और मैथ्स के बाद में डायरेक्ट इंग्लिश का पेपर होगा, जिसमें इनका ब्रेक नहीं है। तो ये 4 दिन की छुट्टियों के अंदर सोशल की तैयारी भी होगी और किसकी होगी? इंग्लिश की। ले आ जाओ चलो ग्लूकोन डी। तो बच्चों की जो एनर्जी ना वो बिल्कुल कैसी होगी? जीरो लेवल पर चली गई है एनर्जी, बहुत थके से लग रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ ग्लूकोन डी बना के दे देते तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी बच्चों को। ग्लूकोन डी पियो एनर्जी लो, देखते हैं एनर्जी। ऐड तो बड़े आते हैं टीवी के अंदर, ग्लूकोन डी पीने से एकदम इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। पी के बताओ एनर्जी आती कि नहीं आती है? एक मिनट, आई एनर्जी बहुत सारी आ गई। और डालो ये ले, घर का जूस निकला। अरे वो वाला नहीं है, वो ऑरेंज फ्लेवर वाला नहीं लाती हूँ। अच्छा अच्छा लगता है केमिकल वाली। अच्छा लगता है सिंह।
तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से और इतने ज़्यादा थके हुए थे, तो आने के बाद में मैंने उनको दी है ग्लूकोन डी। और गर्मियों के टाइम पे फिर मैं जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो उनको एक ग्लास भर के ग्लूकोन डी ज़रूर देती हूँ। अभी तो खैर इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अभी एग्ज़ाम का टाइम है ना, तो एग्ज़ाम के टाइम पर बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब उनके अंदर है ना पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत टेंशन तो बच्चे लेते ही स्ट्रेस लेते ही हैं एग्ज़ाम की वजह से, और फिर उनका थोड़ा सा पढ़ाई का जो वर्कलोड होता है ना वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने ग्लूकोन डी दिया और अब लग रही है उनको जोर से भूख। अच्छा विहान जो है ना उसने किचन में आके चेक कर लिया था कि मैंने खाने में क्या बनाया है, और उसको जैसे ही पता चला कि मटर पनीर की सब्ज़ी बनी है तो उसकी भूख जो है वो और भी डबल हो गई है। तो आज मैं मटर पनीर के साथ में बना रही हूँ लच्छा पराठा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने बनाया भी नहीं है, और मैंने सोचा कि चलो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनको थोड़ा खुश कर लिया जाए, तो लच्छा पराठा बना रही हूँ। अच्छा ये लच्छा पराठा मैंने सबसे पहले ना लॉकडाउन में बनाया था, लॉकडाउन के टाइम पर सारी शॉप्स वगैरह जब बंद हो गई थी ना, और जब घर के अंदर ही थे सब जने, तो रोज़ कोई ना कोई नई नई रेसिपियाँ बनती थी, लेकिन रेसिपी तो बनाते थे लेकिन उस टाइम पे चीज़ें घर के अंदर कम होती थी क्योंकि सारी शॉप बंद थी। तो एक बार मेरे को याद है मैंने पाव भाजी बनाई थी, तो भाजी तो मैंने बना दी लेकिन अब पाव कहाँ से लेकर आए, तो मैंने घर पे ही मतलब है ना ब्रेड बनाने का ट्राई किया लेकिन उतना मज़ा नहीं आया। तो उस टाइम पे फिर यूट्यूब पे ही मैं वीडियोस वगैरह देखती थी ना, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि मैं लच्छा पराठा ट्राई करती हूँ, तो मतलब इतना ज़्यादा पसंद आया था कि अब तो ऐसा हो जाता है कई बार जब घर में पाव नहीं हो तब भी मैं लच्छा पराठा जो है वो भाजी के साथ में बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आज लंच में बनी है मटर पनीर की सब्जी और साथ में है लच्छा पराठा। अच्छा ज़्यादा क्वांटिटी में लच्छा पराठा बनाना है ना, तो आप पराठे के लिए जो लोई मैंने बनाई है ना जैसा कि वीडियो में आपने देखा है, उस तरीके की बहुत सारी लोई एक साथ में बना के और फिर रख सकते हो आप, उसके ऊपर है ना थोड़ा सा जो सूखा आटा है ना वो लगा दो ताकि वो आपस में चिपकेंगे नहीं, और फिर उसके बाद में आप एक साथ में बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर जल्दी जल्दी बन जाएगी। मैंने तो मतलब कैसा जेंट्स आपको भी लेट हो रहा था, बच्चों को भी लेट हो रहा था, तो फिर मैंने दो तीन लोई ही बनाई, ज़्यादा नहीं बना पाई। तो सबसे पहले मैंने जेंट्स आपको ही खाना सर्व किया क्योंकि बच्चे कपड़े वगैरह चेंज कर रहे थे, तब तक उनका खाना हो गया, और उसके बाद में फिर मैंने दोनों बच्चों को भी रख दिया। अच्छा मैंने अंदर जो घी लगाया ना वो थोड़ा सा कम लगाया है, आप यदि थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे ना तो इसकी सारी परतें जो है वो अच्छे से खुल जाएगी, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब हैवी हो जाती है ना, तो फिर अभी गर्मी का टाइम भी है, बच्चों को नींद आएगी, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो इसके लिए फिर मैंने जो घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी है। तो सबका खाना हो गया है और मेरा खाना बाकी है। मैंने खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे, एकदम से याद आ गया, क्योंकि खाना खाने के बाद में ना फिर बहुत आलस आ जाता है, फिर है ना मैं इस तरीके के काम जो है वो नहीं कर पाती हूँ, बर्तन सफाई ये कुछ करने तो वो कर लेती हूँ लेकिन कपड़े वपड़े के काम नहीं होते। और वैसे भी 2-2.5 घंटा हो गया था कपड़ों को भीगे हुए, तो मैंने सोचा हाथों हाथ पहले कपड़े धो देती हूँ और उसके बाद में एक बार शावर ले लूँगी, उसके बाद में ही खाना खाऊंगी। तो बच्चों की जो वाइट कलर की यूनिफॉर्म है ना वो मैं अभी ही धो रही हूँ क्योंकि अब बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके बाद में बच्चों का लास्ट जो वर्किंग डे है वो शायद 11 या 12 को कुछ है, उसके बाद में 10-15 दिन की बच्चों की हॉलीडे हो जाएगी और उसके बाद में अप्रैल में वापस से स्कूल स्टार्ट होगा। तो बच्चों की जो रेगुलर यूनिफॉर्म है वो तो बच्चों का जब लास्ट एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही धोऊंगी, लेकिन वाइट वाली यूनिफॉर्म जो है वो मैं धो के और प्रेस करके रख दूँगी। तो बहुत सारे कपड़े जो है वो इकट्ठे हो गए थे, पहले लग रहा था कम है लेकिन जब धोने लगी ना तो बहुत सारे कपड़े लग रहे थे। तो बस अभी कपड़े धोऊंगी, फिर शावर लूँगी, खाना वाना खाऊँगी, और आज का जो ये वीडियो है वो यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में कंजूसाई मत किया कीजिए, बहुत कम कमेंट आते हैं, कमेंट भी कम आते हैं लाइक भी कम आते हैं, पता नहीं जो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ वीडियो, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वीडियो बन जाते हैं लेकिन एडिटिंग में काफ़ी टाइम लगता है, और स्पेशली अभी बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं ना, तब घर के काम और वीडियोस का काम, बच्चों की पढ़ाई, ये सब चीज़ें, और होली जो है वो भी सिर पर आ गई है और बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कैसे काम जो है वो शुरू करूँ घर में, मुझे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी करनी है, उसके बाद में फेस्टिवल के अकॉर्डिंग कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है वो भी मुझे बनानी है। तो देखते हैं कैसे ना कैसे टाइम सेट करके करना तो पड़ेगा ही, लेकिन हाँ आप मेरे वीडियो को यदि थोड़ा बहुत भी पसंद करते हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं अंदर बताती हूँ ना तो उसी से रिलेटेड आप मुझे कमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ करना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।